लखनऊ के सैरपुर इलाके में 1 साल की बच्ची का शव स्कूल में स्थित पानी की टंकी में मिला। मासूम के पैर में ईंट बांधकर टंकी में फेंका गया था ताकि शव उतराकर ऊपर न आ सके। सैरपुर इलाके के दुग्गौर में रहने वाले बच्ची के पिता के अनुसार गुरुवार रात में 9 बजे उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान अचानक लापता हो गई। काफी खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद कल सुबह सैरपुर थाने में बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। मासूम के लापता होने की खबर पाकर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। पूछताछ में पता चला कि 2 लड़कों के साथ बच्ची को डिगौर प्राथमिक विद्यालय के पास आखिरी बार देखा गया था। पुलिस को पीड़ित परिवार के पड़ोसी और एक करीबी के बेटे पर शक है। आज त्रिपुरा में बड़ा राजनीतिक बदलाव का दिन रहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में राज्यसभा सांसद और त्रिपुरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मानिक शाह को नए मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल का नेता चुना गया। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान द्वारा नया चेहरा उतारने के लिए यह कदम उठाया गया। यूपी के हरदोई जिले के संडिला में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें एक मासूम बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार में जिस हाजी इकबाल उर्फ बाला के नाम की तूती बोलती थी, खनन के कारोबार में हाजी इकबाल का आशीर्वाद लोगों को करोड़पति बना रहा था, आज उसी हाजी इकबाल की अपराध से जुटाए 107 करोड़ की संपत्ति को सहारनपुर पुलिस ने आज कुर्क कर दिया। इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला पर सहारनपुर के विभिन्न थानों में 28 मुकदमे दर्ज हैं। बेटे अब्दुल वाहिद उर्फ वाजिद और जावेद पर लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक 12 मुकदमे दर्ज हैं। तीसरे बेटे अफजाल पर 3, चौथे बेटे आलीशान पर 7 केस दर्ज है। देश के ब्रांड बाजार में हिंदी सिनेमा का सबसे महंगा और सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सितारा रणवीर सिंह है। हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार कल रिलीज हुई है। इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर अभिनेता काफी जी जान से लगे हुए थे, लेकिन अब बॉक्स ऑफिस में पहले ही दिन रणवीर सिंह के 12 साल के करियर में फिल्म उनकी सबसे खराब ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनती दिख रही है।